दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल आर गुरु जी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम पढ़ेंगे एक और पोयम जो कि है मेलिंकॉली, रिटन बाय जॉन फ्लेचर। ठीक है बच्चों, इसको करेंगे। थोड़ी सी एम्बिग्यूस पोयम है, परंतु फिर भी हम लोग इसको ढंग से करने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं इंश्योर करूंगा कि आपको ये बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा जॉन फ्लेचर को समझ लेते हैं हम लोग, है ना। जॉन फ्लेचर एक्चुअल में थे कौन? तो देखो, जॉन फ्लेचर थे एक फेमस ड्रामेटिस्ट। कौन थे? एक ड्रामेटिस्ट थे। इनका लाइफ स्पेन था 1579 में पैदा हुए थे, 1625 में डेथ हो गई थी। तो ये बिलोंग करते हैं एलिजाबेथन और जैकोबिन एज से। ठीक है, इंग्लिश प्ले राइटर थे ना। इंग्लिश प्ले राइटर थे मतलब अंग्रेज ब्रिटेन के थे, नाटक लिखते थे, मतलब प्ले लिखते थे, तो वो तो है ही। और एलिजाबेथन और जैकोबिन एज से बिलोंग करते थे। ठीक है, इन्होंने अपने जो प्ले लिखे हैं ना, वो किसके कोलैबोरेशन में लिखे हैं? ये फेमस थे फ्रांसिस ब्योमोंट के साथ में लिखने के। जब हमने ब्योमोंट की पोएम पढ़ी थी, है ना, तब हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि उन्होंने अपने प्ले किसके साथ में लिखे हैं? फ्लेचर के साथ में, जॉन फ्लेचर के साथ में लिखे हैं। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि अब जैसे फ्लेचर की पोएम पढ़ रहे हैं, तो वही बात रिपीट हो रही है कि इन्होंने अपने प्लेस फ्रांसिस ब्योमोंट के साथ लिखे हैं, साथ में फिलिप मैसेंजर के साथ में भी लिखे हैं। तो इन्होंने कोलैबोरेशन में अपने प्लेज लिखे और अपने प्लेज के लिए ही ये पॉपुलर है, पोएट्री के लिए पॉपुलर नहीं है। अब जो हम आज पोएम पढ़ने वाले हैं ना, ये मेलिंकोली, ये कहां से आई? ये एक्चुअल में इनका ही एक प्ले है। प्ले का नाम है द नाइस वेल्योर। क्या नाम है? द नाइस वेल्योर। ये याद रखना है, क्योंकि एक्चुअल में ये पोएम उठाई कहां से है? अगर ये नहीं लिखोगे ना तो नंबर नहीं मिलेंगे, मतलब ये बताना जरूरी है रेफरेंस में कि पोएम कहां से उठाई है। तो द नाइस वेल्योर नाम का एक प्ले था इनका, उससे ली गई ये लाइन, और इसका टाइटल मेलिंकली रख दिया गया। बाकी इसको ऐसे बोल सकते हैं, हेंस ऑल यू वेन डिलाइट, जो पहली लाइन है ना वही, हेंस ऑल यू वेन डिलाइट, उस नाम से भी इसको हम समझ सकते हैं। तो ये प्ले एक्चुअली मिडिल ऑफ द 17th सेंचुरी में लिखा गया था। एग्जैक्ट डेट नहीं पता इसे कि कब लिखा गया था। इनफैक्ट इसके तो मतलब राइटर के ऊपर भी विवाद है। चलो हम तो याद ही पढ़ रहे हैं कि ये फ्लेचर ने लिखा था, और बहुत लंबे समय तक यही चला रहा था कि जॉन फ्लेचर ने लिखा, परंतु तो आजकल एक नई डिबेट स्टार्ट हो गई है। मतलब देखा जाए तो कुछ जो स्कॉलर्स हैं, कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो बोलते हैं कि इसको थॉमस मिडिलटन ने लिखा था। थॉमस मिडिलटन के लिए बोलते हैं, भाई थॉमस मिडिलटन ने लिखा है इस प्ले को, तो फ्लेचर ने नहीं लिखा। अब जो भी हमारे सिलेबस में, तो ये जो पोयम है हेंस ऑल यू वेन डिलाइट, ये फ्लेचर के नाम से लिखी गई है। जब फ्लेचर के नाम से दी गई है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम ये मान के चलेंगे कि द नाइस वैल्यूअर जिससे ये उठाई गई है, वो नाइस वैल्यूअर भी फ्लेचर ने ही लिखा है। अच्छा, तो इस प्ले के अंदर ये छोटा सा हिस्सा है एक्चुअल में, ये जो पोयम है ना, एक छोटा सा हिस्सा है। ये एक मोनोलॉग है। मतलब मोनोलॉग क्या होता है? एक स्पीच होती है कि जो व्यक्ति होता है वो खुद ही से बातें कर रहा होता है ना। तो इसमें एक कैरेक्टर है प्ले के अंदर जिसका नाम है द पैशनेट लॉर्ड। क्या नाम है? द पैशनेट लॉर्ड नाम का एक कैरेक्टर है प्ले के अंदर, और वो व्यक्ति जो है ना, वो ये स्पीच बोलता है, हेंस ऑल यू वेन डिलाइट्स, मतलब वो खुद से बातें करते हुए ये स्पीच, ये मोनोलॉग बोलता है। और देखो एक्चुअल में ये जो कैरेक्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ये चार इमोशनल स्टेट में फंस जाता है इस पूरे प्ले में। कभी वो लव में फंस जाता है, कभी वो मेलेंकली में फंस जाता है, कभी वो फ्यूरी एंड गुस्से में, और कभी मर्थ मतलब आनंद में। इस तरह से वो चार अलग अलग इमोशनल स्टेट्स में फंस जाता है। तो ये जो पोएम बोली है ना उसने, ये एक सॉन्ग के रूप में है प्ले के अंदर, और ये मेलेंकली स्टेट में जब वो फंसा हुआ होता है ना, तब ये बोलता है। और इसके साथ बड़ी अजीब समस्या, जब ये किसी एक स्टेट में फंस जाता है ना, किसी एक अवस्था में फंस जाता है, तो इसके दोस्त मित्र इसको बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं ना। अब ये मेलिंकली स्टेट में जब फंसा हुआ है, एक्चुअल में इसको धोखा मिला है प्यार में। इसको ये महसूस होता है कि मुझे तो धोखा मिला है। तो ये एक्चुअल में इसको ऐसा फील होता है कि इस वर्ल्ड में जो भी ये लव और इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं, ये सब बकवास हैं, है ना। और जितने भी ये जो बोल सकते हैं हम लोग, इस तरह की जो हैप्पीनेस होती है, खुशी प्राप्त होती है लाइफ में हमको, वो सिर्फ मोमेंट्री होती है, वो कुछ क्षण के लिए होती है, फिर उसके बाद में वो गायब हो जाती है, वो हमेशा आपके साथ में रहेगी नहीं। तो उस चीज को ये मतलब स्ट्राइक करते हुए, निशाना लगाते हुए ये गीत गाता है प्ले के अंदर, और वही गीत ये पोयम है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं इसको, है ना। हेंस ऑल यू विन डिलाइट्स, एज शॉर्ट एज आर दी नाइट्स। अब अतः आप सब वेन डिलाइट्स, मतलब वो सारी की सारी डिलाइट्स, हैप्पीनेस, जो हैप्पीनेस है ना, उसको वो क्या बोल रहा है?
उसको क्या बोल रहा है, उसको वेन बोल रहा है। वेन मतलब व्यर्थ, बेकार, यूजलेस। वो बोल रहा है कि सारे की सारी डिलाइट्स, जिंदगी में जो हैप्पीनेस है ना, वो सब बेकार है, व्यर्थ है। एज शॉर्ट एज आर दी नाइट्स, क्यों व्यर्थ है? क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए होती हैं, शॉर्ट, बहुत कम समय के लिए होती हैं। जैसे कि रात होती है, रात 8-10 घंटे की रात होती है, उसी तरीके से जितनी छोटी रात होती है उतनी ही कम समय ये डिलाइट्स टिकती है हमारी जिंदगी में। उसके बाद ये हमें छोड़ के चली जाती है, आनंद हमें छोड़ के चले जाते हैं, हैप्पीनेस हमें छोड़ के चले जाते हैं। वेयर एंड यू स्पेंड योर फॉली, और वहां पे आप लोग क्या करते हो, अपनी गलती दोहराते हो। एक्चुअल में देखो, जो ये पोएट है, मतलब जो ये कैरेक्टर है, कौन सा, द पैशनेट लॉर्ड, ये गीत गा रहा है, और ये दुनिया जिस तरह से हैप्पीनेस के पीछे भागती है ना, उसके ऊपर निशाना लगा रहा है। ये बोल रहा है कि ये डिलाइट्स तो कुछ ही समय के लिए होती हैं, और उसके बावजूद भी, वेयर इन यू स्पेंड योर फॉली, उसके बावजूद भी क्या होता है, आप एक मिस्टेक करते हो। फॉली मीन्स मिस्टेक। आप एक मिस्टेक करते हो कि आप अपना समय इसके साथ व्यतीत करना चाहते हो, खर्च करना चाहते हो, किसके साथ में, डिलाइट्स के साथ में। आप डिलाइट्स का वेट करते हो, इनके पीछे भागते हो, और यही गलती आप करते हो कि आप अपना समय डिलाइट्स में व्यतीत करना चाहते हो, आप हैप्पीनेस में जीना चाहते हो, डिलाइट्स में जीना चाहते हो। इस बात को गलती बता रहा है, देयर इज नॉट इन दिस लाइफ स्वीट, क्योंकि उसका मानना है कि इस जीवन में कुछ भी स्वीट नहीं है, कुछ भी मीठा नहीं है, कुछ भी अश्योरिंग नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको आनंद दे सके, किसके सिवा, अभी बताएगा। इफ मैन वर वाइज टू सी इट, अगर इंसान बुद्धिमान होता, वर वाइज, वा साउंड का रिपीटेशन हो रहा है वर्ड के स्टार्टिंग में, ये क्या है, एलिट्रेशन, ठीक है। वा साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, उसका रिपीटेशन हो रहा है वर्ड के स्टार्टिंग में। कॉन्सोनेंट साउंड का जब भी रिपीटेशन होता है वर्ड के स्टार्टिंग में ही, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन है, ठीक है। अब देखो, इफ मैन वर वाइज टू सी इट, अगर इंसान इतना बुद्धिमान होता जो इस चीज को समझ पाता, किस चीज को समझ पाता कि इन हैप्पीनेस के पीछे ना भागो, ये बहुत कम समय के लिए होती है, इनके पीछे भाग के तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर इंसान इतना भी समझ पाता ना क्या, कि भाई इन चीजों के पीछे नहीं भागना है, और लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, लाइफ में स्वीट, मिठास देने वाला, हैप्पीनेस देने वाला कुछ भी नहीं है इस लाइफ में, सब चीजें, कोई भी चीज ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको स्वीटनेस फील कराए लाइफ में, हैप्पी फील कराए, अश्योरिंग फील कराए, आपको आनंद दे, आपको सेटिस्फाई फील करवाए, ऐसा लाइफ में कुछ भी नहीं है। अगर आप बुद्धिमान हो तो आप ये समझ पाते, पर इंसान बुद्धिमान नहीं है, तो क्या चीज है जो हैप्पीनेस देगी, मतलब क्या चीज है जो स्वीट है एक्चुअल में, ओनली मेलन के लिए। वो बोलता है कि इस लाइफ में कुछ भी स्वीट नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसके सिवा, मेलिंकली के अलावा। मेलिंकली ही यानी अवसाद की स्थिति, दुख की अवस्था, केवल मेलिंकली ही वो स्टेट है जिसमें आप एंजॉय कर सकते हो, ओ स्वीटेस्ट मेलिंकली। और मेलिंकली को क्या बोल रहा है वो, ओ मिठास से भरी हुई मेलिंकली, ओ डियर मेलिंकली। देखो, मेलिंकली को इसने एक तरह से परसोनिफाई कर दिया है, क्या कर दिया है, परसोनिफाई यानी परसोनिफिकेशन यूज हुआ है यहाँ पे, यानी इसको इंसान की तरह ट्रीट किया गया कि मेलिंकली तो बहुत अच्छी है, वो एक इंसान जैसे होता है ना, बहुत प्यारा होता है, डियर होता है, उस तरीके से मेलिंकली को, ओ स्वीटेस्ट मेलिंकली, जैसे किसी इंसान को बोलते हैं ना, ओ डियर फ्रेंड, उस तरह से ट्रीट कर रहा है। तो ये इंसानी गुण डाल दिए इसने मेलिंकली के अंदर, तो ये परसोनिफाई हो गया, परसोनिफिकेशन हो गया। परसोनिफिकेशन जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग या फिर आप किसी एनिमल को इंसानी गुणों से नवाज दो, मतलब उसमें इंसानी गुण डाल दो, ऐसा लगे कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, इंसान से मिल रहे हो, कोई इंसान चल रहा है, कोई इंसान जी रहा है, कोई इंसान एक्टिंग कर रहा है, ऐसा महसूस हो ना किसी नॉन लिविंग थिंग या फिर किसी क्या बोलते हैं एनिमल को देखकर, तो इसका मतलब है कि पोइट ने उस नॉन लिविंग थिंग या उस एनिमल को परसोनीफाई कर दिया, उसमें परसोनिफिकेशन डाल दिया, उसमें इंसानी गुण डाल दिया। तो यहाँ पे मेलेंकली में परसोनिफिकेशन है, ठीक है। तो बोलता है कि ओ स्वीटेस्ट मेलेंकली, कि मेलेंकली तुम ही हो जो सबसे प्यारी हो, तुम ही सबसे मिठास भरी वाली, तुम ही हो जो संतुष्टि देती हो, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्वीट है। वेलकम फोल्डेड आर्म्स एंड फिक्स्ड आईज। अब देखो, वो मेलेंकली को स्वागत कर रहा है। यहां तक तो उसने बताया कि इस दुनिया में, दुनिया मतलब एक्चुअल में गलत चीज के पीछे भाग रही है। पहले तो उसने ये बताया कि इस दुनिया में डिलाइट नाम की कोई चीज नहीं है, वो सब बेकार है, व्यर्थ है, जो चीज एकमात्र है वो मेलिंग के लिए, ठीक है। अब वो आगे बोलता है कि वेलकम, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। वो जो कैरेक्टर है, कौन सा, द पैशनेट लॉर्ड, वो कैरेक्टर बोलता है मेलिंकली, अवसाद को, खुद दुख की अवस्था में है, इसलिए वो एक तरीके से मेलिंकली का स्वागत करते हुए बोल रहा है कि आओ वेलकम फोल्डेड आर्म्स एंड फिक्स्ड आईज, मैं अपनी बाहें मोड़ के और नजरें गड़ाए हुए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारा स्वागत करता हूँ मैं। फोल्डेड आर्म्स एंड फिक्स्ड आईज में आप देख सकते हो, फोल्डेड एंड फिक्स्ड, फा फा क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, अगेन, तो ये क्या है, इसमें अगेन एलिट्रेशन है ना, साथ में इसमें आपको वो मिल जाएगा कॉन्सोनेंस भी, क्यों,
फोल्डेड, फा के बाद में ओ ओ वोवल साउंड आ रहा है, फोल्डेड, और फिक्स्ड में ई आ रहा है, ई, फी, फो, ओ और ई। तो पहला जब कॉन्सोनेंट साउंड आए और उसके तुरंत बाद वोवल साउंड बदल जाए, चेंज हो जाए दोनों में या तीनों में जो भी शब्द हैं, उन शब्दों में अगर वोवल साउंड तुरंत पहली कॉन्सोनेंट साउंड के बाद में अगली वोवल साउंड तुरंत बदल जाए, तो फिर उसे हम कॉन्सोनेंस की कैटेगरी में भी रखते हैं। इसमें मतलब कॉन्सोनेंस भी है, एलिट्रेशन भी है, ठीक है। एलिट्रेशन में तो सिर्फ हम कॉन्सोनेंट साउंड चेक करते हैं, पहली कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए, ठीक है। और ये स्पेशल केस होता है ये कॉन्सोनेंस वाला जो अभी बताया, कि पहला कॉन्सोनेंट साउंड चेक करेंगे, उसके तुरंत बाद में एक वोवल साउंड भी चेक करेंगे कि वो बदल गई कि नहीं बदली। ये स्पेशल केस वाला कॉन्सोनेंस है, ठीक है। तो वो वेलकम कर रहा है इसको मेलेंकेली को, कि मैं बाहें यू समेट के, फोल्डेड आर्म्स एंड फिक्स्ड आईज से तुम्हारा स्वागत करता हूं। एक तरीके से उसने खुद को, एक तरह से बोलते हैं ना रेजिग्नेशन दे देना, एक तरह से त्याग पत्र दे देना होता है ना, वो एक तरह से खुद को सरेंडर कर दिया है उसने। उसने सरेंडर कर दिया कि वेल मेलिंगली आओ, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, मैं तो बस मतलब तुम्हारी अपोज नहीं करूंगा, मैं किसी वेन डिलाइट के पीछे नहीं भाग रहा, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, मुझे और कुछ लाइफ में नहीं चाहिए, तुम आ जाओ। तो एक तरीके से वो मेलिंगली का स्वागत कर रहा है अपने बाहें समेट के, नजरे गड़ाए हुए एकदम फिक्स आइज से। अ साइट दैट पियर्सिंग मॉर्टिफाइज, अ लुक दैट्स फास्टिंग टू द ग्राउंड। अब देखो बोल रहा है कि एक नजर, किसकी नजर? मेलेंकली की नजर। अ साइट दैट पियर्सिंग मॉर्टिफाइज, यानी मेलेंकली तुम्हारी जो नजर है ना वो कैसी है, वो तुम्हारी नजर ऐसी है कि वो आर पार निकल जाए मॉर्टिफाइज के भी, यानी एक इंसान जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड स्टेट में है, ऑलरेडी शर्मिंदा फील कर रहा है, डिप्रेशन में है, ऐसे अवसाद वाली स्टेट में होने के बावजूद भी तुम उसको झंझोर दोगी। यानी कि एक मेलेंकली की जो अवस्था होती है ना, वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड स्टेट वाले पर्सन को भी झकझोर के रख देती है। तो तुम्हारी साइट, तुम्हारी नजर इतनी जबरदस्त है, इतनी तीखी है, कि एक ऑलरेडी डिप्रेस्ड स्टेट वाले पर्सन को भी झकझोर के रख देती है। अ लुक दैट फास्टन टू द ग्राउंड। और तुम जब जिस व्यक्ति के साथ में होती हो, तो उस व्यक्ति की जो नजरें होती है ना, वो ग्राउंड पे टिकी रहती है, मतलब वो बेसिकली तुम में खोया रहता है और ग्राउंड को देखता रहता है। जो मेलेंकोलिक पर्सन होता है ना, उसकी अवस्था बताई जा रही है एक तरीके से, कि मेलेंकोलिक पर्सन इस तरह का होता है कि उसकी जो नजर होती है ना, वो नजर ऐसी होगी कि ऑलरेडी, मान लो आप मेलेंकोलिक स्टेट में हो और सामने कोई व्यक्ति ऑलरेडी एक डिप्रेस स्टेट में है, तो आपकी नजर उस डिप्रेस स्टेट वाले व्यक्ति को परेशान कर देगी। आप देखोगे यार ये कैसा व्यक्ति है, तो मुझसे भी ज्यादा दुखी है मतलब मुझसे भी ज्यादा परेशान लग रहा है। और साथ में आपकी, आपका एक लुक, आपका जो हमेशा जो आंखें होंगी ना, वो जमीन पे गड़ी हुई होंगी। आप ऐसा मतलब, आप वैसे तो आपकी आंखें जमीन पे ही गड़ी होंगी, परंतु आपने अगर किसी को देख लिया ना, तो उसको भी मतलब किसी डिप्रेस व्यक्ति को देख लिया ना, तो वो भी परेशान हो जाएगा आपको देख के एक तरीके से। परंतु वैसे तो आपकी आंखें कहाँ टिकी होंगी? ग्राउंड पे टिकी होंगी, मतलब आप हमेशा एक खोए हुए स्टेट में रहोगे और जमीन को घूरते हुए रहोगे। एक मेलेंकोलिक पर्सन ऐसा ही होता है, वो ऐसे बैठा रहता है चुपचाप नीचे नजरे करते इस तरीके से, ठीक है, ग्राउंड को घूरता हुआ, और वो कुछ नहीं बोलता, टंग चेंड अप विदाउट ए साउंड। और उसकी जीभ क्या होती है? बिल्कुल चुपचाप बंधी हुई। चेंड अप का मतलब सही है, चेन से बांध दी हो, विदाउट ए साउंड, और कोई आवाज नहीं निकलती, मतलब वो चुपचाप बस एक टक देखता रहता है ग्राउंड को। ये मेलेंकोलिक स्टेट की, मतलब मेलेंकोलिक पर्सन की अवस्था होती है, वो इस तरह का होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, फाउंटेन हेड्स एंड पाथलेस ग्रूव्स। फाउंटेन हेड्स एंड पाथलेस ग्रूव्स, प्लेसेस विच पेल पैशन लव्स। अब देखो प्लेसेस पेल पैशन, तीन बार पे साउंड का रिपीटेशन हो रहा है अगेन, ये क्या है? एलिट्रेशन है, ठीक है, फाइन, समझ गए होंगे अब तो। एलिट्रेशन, पे साउंड क्या है? एक कॉन्सोनेंट साउंड है और वर्ड के स्टार्टिंग में आ रहा है, ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। तो देखो फाउंटेन हेड्स, फाउंटेन हेड क्या होता है? जहां से झरना गिरता है। फाउंटेन हेड्स एंड पाथलेस ग्रूव्स, और पाथलेस मतलब जहां रास्ता ना हो, ग्रूव मतलब जंगल, ऐसे जंगल जितने इतने घने हो कि उनमें रास्ता ही ना बन पा रहा हो, यानी बिना रास्ते वाले जंगल, ठीक है। तो फाउंटेन हेड्स, झरनों वाली जगह, प्लस पाथलेस ग्रूव्स, ऐसे जंगल, घने जंगल, ये जगहें किसकी हैं? ये प्लेसेस हैं विच पेल पैशन लव्स, यानी फीके पैशन वाले लोग ऐसी जगहों को पसंद करते हैं। यानी कि जो पोएट है एक तरह से, वो क्या बोलना चाह रहा है? वो ये बोलना चाह रहा है कि भाई जो व्यक्ति पेल पैशन, या पेल पैशन, पेल मतलब फीका, यानी ऐसा, ऐसी इमोशनल अवस्था जो फीकी हो, मतलब इसका कोई खास असर ना हो, पेल पैशन, क्योंकि राइटर ने क्या बोला, सबसे ऊंची अवस्था तो क्या है? मेलेंकली है, उससे बाकी सब नीचे नीचे हैं। तो वो पेल पैशन किसको बोल रहा है? पेल पैशन बोल रहा है लव को,
या दूसरी हैप्पीनेस हो, कोई भी हैप्पीनेस हो या लव हो, इंसान प्यार में झरनों के वहां जंगलों में भटकता हुआ नजर आएगा प्यार में। तो बोलता है कि जो लोग ऐसे पेल पैशन में फंसे हुए होते हैं ना, ऐसे फीके पैशंस में, जिनका जुनून इतना फीका होता है ना, वो लोग एक्चुअल में आपको झरनों के आसपास जंगलों में भटकते हुए ऐसे मिलेंगे, ऐसी जगहों पे मिलेंगे। वो ही पसंद करते हैं ऐसी जगहों पे जाना, है ना। और वो लोग क्या करेंगे, आधी रात में चलते हुए मिलेंगे, मून लाइट में, यानी चंद्रमा की रोशनी में आधी रात में चलते हुए मिलेंगे। उस वक्त जब सारे फाउल, एक तरह से पक्षी होते हैं, उस वक्त जब सारे फाउल, सारे पक्षी अपने घर में सो रहे हैं, केवल बैट्स और आउल्स, केवल कौन, चमगादड़ और उल्लू ही जग रहे होते हैं। यानी कि देखो कितनी बढ़िया इमेज क्रिएट की है कि फाउंटेन हेड्स एंड पाथलेस ग्रूव्स प्लेसेस विच पेल पैशन लव्स, कि जो कह सकते हैं कि जो झरने और जो जंगल, घने जंगल होते हैं, इन जगहों पे जाना किसको पसंद होता है, कौन लव करता है इस जगहों पे जाना, पेल पैशन वाले लोग, यानी कि जो प्यार मोहब्बत वाले लोग होते हैं, वो जाना पसंद करते हैं इस जगह पे। और साथ में ऐसे ही लोग मून लाइट में वॉक करना पसंद करेंगे, चंद्रमा की रोशनी में। व्हेन ऑल द फाउल्स आर वार्मली हाउस सेव बैट्स एंड आउल्स, जब सारे के सारे, फाउल का मतलब यहाँ पे है ना बेसिकली एक पक्षी से है, वो पक्षी एक्चुअल में जनरल मतलब चिकन जैसा होता है, मुर्गी जैसा ही एक तरीके से, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि फाउल सब सो जाते हैं, आर वार्मली हाउस्ड, वो अपने घर के अंदर आराम से सो रहे हैं, केवल बैट्स, चमगादड़ और आउल, उल्लू ही हैं जो रात में जगते हैं, और वैसे टाइम पे आपको ये पेल पैशन के लोग भटकते हुए चंद्रमा की रोशनी में मिल जाएंगे। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब देखो, अब मिडनाइट बेल, फिर आधी रात को एक घंटी बजती है, मतलब आधी रात, घंटी का मतलब है आधी रात समय, आधी रात का समय का सूचक, वो घंटी कुछ भी हो सकती है, उस जमाने में कौन सी घड़ी होती है जो ये पोएम लिखी थी, यानी पर घंटा घड़ी घड़ी जरूर होती थी। तो अब मिडनाइट बेल, अब पार्टीशन ग्रोन, अब आधी रात की सूचक वाली आवाज कि आधी रात हो चुकी है वो, और अब पार्टिंग ग्रोन, और फिर जो लवर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुदा होते हैं। ठीक है, अब पार्टिंग ग्रोन यानी कि आधी रात तक तो साथ में भटकते रहते हैं, और उसके बाद में फिर वो एक दूसरे से जुदा होते हैं, और उस जुदाई में आहें भरते हैं, ग्रोन, दर्द की आहें। दीज आर दी साउंड्स वी फीड अपॉन, और ये ही वो आवाजें हैं जिन पे मेलेंकोली फीड करता है। फीड करता है मतलब देखो, मेलेंकोली की अवस्था फिर शुरू होती है जब ये जुदा होते हैं, तो ये सैडनेस की अवस्था में जाते हैं, तो इनकी ये मिडनाइट बेल, पार्टिंग ग्रोन, जुदा होने की आवाजें, आहें भरने की आवाजें, है ना। और पार्टिंग ग्रोन में कुछ भी हो सकता है, गुड बाय भी हो सकता है, रोना धोना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गुड बाय, सिंपल गुड बाय कहना भी हो सकता है, और रोना धोना भी हो सकता है, यानी जुदा होने पर जो आवाजें निकल रही है, चाहे वो गुड बाय कहने की आवाज हो, चाहे रोना धोने की हो, उन आवाजों पर साथ में मिडनाइट बेल, जो समय सूचक यानी संकेत की आधी रात हो चुकी है, इन चीजों पर कौन फीड करता है, मेलेंकोली फीड करता है। फीड करने का मतलब इन पर, इनसे एनर्जी गेन करता है, कहने का मतलब इन चीजों से फिर मेलेंकोली की अवस्था इंसान के अंदर जागृत होती है, पैदा होती है, क्योंकि जब वो अपने प्रेमी से जुदा होता है तब वो उदास होता है, प्रेमी से जुदा होने पर मेलेंकोली पैदा होती है, और फिर क्या होता है, फिर वो देन स्ट्रेच अवर बोन्स इन स्टिल ग्लूमी वैली, यानी कि फिर वो व्यक्ति चले जाएंगे अपने घर में और बेड पे आड़े पड़ जाएंगे, स्ट्रेच अवर बोन्स, अपनी हड्डियों को सीधा करेंगे इन ए स्टिल ग्लूमी वैली, परंतु दिमाग कहाँ रहेगा, मेलेंकली की घाटी में, ग्लूमी वैली, ग्लूमी मतलब दुख भरी और वैली मतलब घाटी, वो कहना चाह रहा है कि दिमाग में तो मेलेंकली भर गई है, दुख भर गया है, तो वो जाके अपने बेड पे सो जाएंगे, पांव पसार देंगे, अपनी हड्डियों को सीधा कर लेंगे, परंतु दिमाग कहाँ रहेगा, मेलेंकली की अवस्था में रहेगा, क्योंकि वो अपने लवर से जुदा हो गए, क्यों, और नथिंग सो डेंटी स्वीट एज लवली मेलेंकली। और देखा जाए तो उस अवस्था में वो रात भर पड़े रहेंगे, ना सोएंगे ना जागेंगे, वो जागने की अवस्था भी नहीं है, सोने की अवस्था भी नहीं है, बस वो मेलेंकली में खोए रहेंगे, और बस अलग अलग चीजें उनके दिमाग में आती रहेंगी, क्योंकि देखो जो ऐसी अवस्था होती है ना, ये मेलेंकली की जो अवस्था होती है ना, ये ऐसी होती है कि आप जनरली जब ये इस स्टेट में आप घुस जाते हो ना, तो आप क्या करते हो, आप लगातार दिमाग में कोशिश करते रहते हो, काश, जैसे मान लो सपोज आपका कुछ गलत हो गया, आप किस चीज में फेल हो गए, है ना, फेल हो गए, फिर आप दिमाग में लगातार सोचते रहोगे, काश मैंने वो कर दिया होता ना तो वो सही हो जाता, फिर मेरे इतने नंबर उड़ा जाते हैं ना, फिर आप सब मतलब सोचते रहोगे लगातार, आप एग्जाम में बैठे हुए दोबारा से, और मन में मतलब दिमाग में आप एग्जाम में बैठ रहे हो और वो सब सही कर रहे हो जो आपने गलत करके आए हो, फिर आप खुद को संतुष्टि दे रहे हो, हाँ अब सब सही हो जाएगा, परंतु एक्चुअल में तो वो सब सपना ही है, आपके दिमाग के ख्याल है, आपको रेस में भाग रहे हो, रेस में हार गए आप लोग, फिर या आप कोई गेम खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, गलती से मतलब मौका मिला और आप कोई मौका चूक गए, आप आउट हो गए, फिर बाद में सोचोगे यार मैं उस शॉट को ऐसे खेलता तो सही रहता ना, हाँ दिमाग में वो चलता रहेगा, काश मैं वो गलती सही कर देता, जो गलती आपने करी थी उस गलती को मैं सही कर देता, और दिमाग में बार बार आप उस चीज को सही करते रहते हो, माइंड में सही करते रहते हो और उस ख्याल में खोए रहते हो, परंतु वो गलती तो सही हो नहीं सकती, वो जो चीज खो गई है वो वापस आ नहीं सकती, तो ये मेलिंग कलर की अवस्था होती है, उसमें आप दिमाग में खोए रहते हो और लगातार वो चीज
आप अपने माइंड के अंदर खुद को संतुष्टि देने के लिए उस चीज को सही करते रहते हो जो गलत हो गई है। तो ये है, उस ग्लूमी वैली में आप खो जाते हो बेड में पड़े पड़े स्ट्रेस किए हुए, परंतु उससे प्यारा प्यारी कोई अवस्था नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में आप दुखी नहीं होते हो, आप सही करने की कोशिश कर रहे होते हो उस चीज को जो गलत हो गई है, इसलिए आप उसमें हैप्पी होते हो कि हाँ मैं सब सही कर रहा हूं। यही तो चीज है, नथिंग सो डेंटी स्वीट एज लवली मेलेंकली। जब इंसान मतलब उस लवली मेलेंकली से प्यारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंसान उस अवस्था में देखा जाए तो खुद को उस तरह से पाता है कि भाई मैं उस चीज से जूझ रहा हूं और मैं अब सही कर दूंगा उस चीज को, यानी वो हार नहीं मानता। दिमाग के अंदर वैसे ही वो घटना हो चुकी है, सब खत्म हो गया उसके लिए, परंतु दिमाग में वो अभी भी जंग लड़ रहा है उस चीज से और वो प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है उसको, वो उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा है जो कि उससे हो गई थी। तो उसको पता ही नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि ऑलरेडी सब खत्म हो चुका है, इसलिए वो स्ट्रगल कर रहा है। और जब स्ट्रगल कर रहा है तो दुखी नहीं होता, वो कोशिश करता है, मतलब हैप्पी होता है उस अवस्था में कि मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको प्राप्त करने की। इसलिए मेलेंकली की जो अवस्था होती है उसमें उसमें इंसान लगातार उस चीज के बारे में सोचता रहता है, उसमें खोया रहता है और उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है, इसलिए वो बड़ी ही अच्छी अवस्था होती है, ऐसा राइटर बोलना चाह रहे हैं। और वो इससे मैसेज भी दे रहे हैं कि लाइफ में जो दुख भरी चीजें होती है ना, जो सैडनेस होती है, उस सैडनेस में भी हमको आनंद लेना चाहिए। आप सिर्फ डिलाइट्स के पीछे मत भागो, कभी जिंदगी में सैडनेस ज्यादा आती है डिलाइट से ज्यादा, हैप्पीनेस से ज्यादा दुख आते हैं, तो उन दुख के जो पल पल होते हैं, वो क्षण होते हैं ना, उनको भी एंजॉय किया करो, उनको उनके भी मजे लिया करो, उन दुख के क्षणों का भी अपना ही मजा होता है, इसलिए उनको रिजेक्ट मत किया करो, उनसे दूर मत भागा करो, वो ये भी बोलना चाह रहा है। तो समझ में आ गया बच्चों? आई होप सबको समझ में आ गया होगा ना। कुछ समझ में नहीं आया तो मैसेज करके पूछ लेना, बहुत सिंपल सी पोएम वैसे तो, परंतु लास्ट के जो ये कंफ्यूजिंग लाइंस थी एक्चुअल में, ये जो लास्ट का पोर्शन है इसकी मीनिंग आपको काफी लोग अलग अलग मीनिंग बताएंगे, कोई क्या बोलेगा कोई क्या बोलेगा, मैंने अपने हिसाब से आपको अर्थ बताया और जहां तक पॉसिबल मैंने कोशिश करी कि मैंने आपको अपने हिसाब से बेस्ट अर्थ बताने की कोशिश करी है। ठीक है, तो बच्चों मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, ठीक है, इसकी जो फिगर स्पीच वगैरह होंगी, जो पूरा क्रिटिकल एप्रिसिएशन होगा वो मैं लेके आऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।